हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, छुट्टी करने में जो मजा है ना, वो मजा किसी और काम में नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी में छुट्टियों को कहते क्या है। कोई वेकेशन कहता है, कोई ऑफ कहता है, कोई लीव कहता है, कोई हॉलीडे कहता है, मतलब असली वाला वर्ड कौन सा है और इन सब का इस्तेमाल कब कब करना है। तो भैया डोंट वरी, आज आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अंग्रेजी के छुट्टियों से जुड़े कमाल कमाल के वर्ड्स और भैया उनका सही इस्तेमाल लिख रहा हूं, जिन्हें देखकर आपका छुट्टी करने का मजा दुगना हो जाएगा। अब छुट्टियों के बारे में अंग्रेजी की ऐसी जैम जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं अंग्रेजी में छुट्टियों के प्रकार। और भाई हमारा पहला वर्ड है लीव, और स्पेलिंग आप देख ही रहे होंगे, LEAVE। अब इस लीव का मतलब हिंदी में होता है छुट्टी, लेकिन ये कौन सी छुट्टी है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई इंसान अपनी तरफ से छुट्टी करे, यानी कि अगर स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ता है, वैसे तो पढ़ते ही नहीं हो मुझे पता, मोबाइल से चिपके रहते हो, स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ता है या ऑफिस में या कंपनी में कोई काम करता है और वहां से छुट्टी नहीं मिली, खुद अपने दिल से छुट्टी मार ली बहाना लगा के कि आज मेरी शादी है और आज मैं वहां बारात में जा रहा हूं और मुझे दस्त हो रहे हैं और ये हो रहे, तो उसे अंग्रेजी में लीव बोलते हैं। अपनी तरफ से की गई छुट्टी को अंग्रेजी में लीव बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है आज मेरी छुट्टी है, अब सामने वाले को लग रहा अच्छा कंपनी की तरफ से होगी, दिवाली आ रही है इसलिए दे दी, बाद में पता चला ससुर ने खुद कर रखी है बहाना बना के, तो आज मेरी छुट्टी है। इंग्लिश में बोलेंगे I have a leave today. I have a leave today. ऐसे ही बोल सकते हैं, I am on a leave today. दोनों तरीके से बोल सकते हैं, और मेरी छुट्टी थी तो was या had का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट में। तो भैया छुट्टी का पहला वर्ड याद रखना लीव, और लीव का मतलब है अपनी तरफ से की गई छुट्टी। नेक्स्ट वाली छुट्टी के बारे में जानना है, चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। और भैया नेक्स्ट वर्ड है हॉलीडे। अब इसे देख के तो ऐसा लगता है होली आ गई, कितना मजा आ रहा है, लेकिन ये वो वाला होली वाला डे नहीं है, हॉलीडे। हॉलीडे का हिंदी में मतलब होता है छुट्टी, ये तो तुम्हें पता ही था, खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि ये कौन सी वाली छुट्टी है। तो हॉलीडे वो वाली छुट्टी होती है जब किसी कंपनी की तरफ से, किसी ऑफिस की तरफ से, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से छुट्टी दी गई हो, उसे हॉलीडे बोलते हैं। अब अपनी तरफ से करे तो लीव, और कंपनी खुद के जा बेटा तेरी छुट्टी भाग जाए ऐसे दफा हो यहां से, तो उसे कहते हैं हॉलीडे। अब जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, संडे होते हैं और नॉन वर्किंग डेज होते हैं, वो हॉलीडे कहलाते हैं, यानी अपने कर्मचारियों को कंपनीज खुद कहती है, जब मौज मार जी ले अपनी जिंदगी तो उसे हॉलीडे कहते हैं। और मान लो तुमने खुद छुट्टी करी थी तो तुमने क्या कहा था, आई हैव अ लीव टुडे। और अगर मैं जैसे कहूं आज छुट्टी है, तो ऐसा नहीं है तुमने अकेले ने करी है, मतलब कंपनी ने, ऑफिस ने, स्कूल कॉलेज ने, सबकी करी है, तो आज छुट्टी है इसको बोलेंगे इट इज हॉलीडे टुडे। कुछ लोग बोलते हैं टुडे इज हॉलीडे, अरे भैया ऐसे नहीं बोलते, टुडे चाय की पत्ती की बात नहीं हो रही है यहां पे, इट इज हॉलीडे टुडे ऐसे बोलेंगे, और छुट्टी थी इट वाज हॉलीडे कल, यस्टरडे ऐसे बोल सकते हैं। तो हॉलीडे क्या हुआ, मतलब कोई चीज, कोई कंपनी वंपनी जो भी चीजें अपनी तरफ से छुट्टी दे तो उसे कहेंगे हॉलीडे। और लीव का मतलब समझ में आ गया था, आ जाता, चलो ठीक है नेक्स्ट वाली छुट्टी देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है ऑफ। हाँ, ये नहीं है ऑन ऑफ करने वाला ऑफ है, इसका मतलब भी यही होता है छुट्टी। अब कितनी छुट्टियां होती हैं, वैसे हम लोग तो छुट्टी करने में तो माहिर है, तुम्हें तो पता ही है स्कूल लाइफ से लेकर आज तक, छोड़ो मैं ज्यादा घुस रहा हूं, फिलहाल इसकी बात करते हैं। ऑफ का मतलब भी छुट्टी है। अब ये कौन सी छुट्टी है, ये वो छुट्टी है कि इसे बंदा चाहे अपनी तरफ से करे तब भी ऑफ, और चाहे कंपनी अपनी तरफ से करे तब भी ऑफ। लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा है, उसका ध्यान रखना है कि यह छुट्टी एक्सीडेंटल लीव होती है, यानी अचानक से किसी कारण से छुट्टी हो जाना, मतलब मान लो कंपनी ने छुट्टी करी त्योहार की वजह से, संडे की वजह से तो हॉलीडे, आपने छुट्टी करी पेट दर्द की वजह से या किसी चीज की वजह से तो हो गया लीव। लेकिन भैया अचानक से काम पर जाने के बाद और अचानक से कोई कंपनी बंद हो जाए, आज के दिन मान लो कंपनी के मालिक की पत्नी भाग गई और खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहा है, उसने कहो जाओ
मौज मारो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो वो ऑफ हो जाएगा। यानी कि खुलने के बाद बंद होना, काम पर जाने के बाद वापिस आना, उसे ऑफ बोलते हैं। तो तीनों में फर्क फिर से समझा देता हूं। खुद मारो तो लीव, कंपनी मारे तो हॉलीडे, और मतलब काम पर जाने के बाद तुम, ये ज्यादा हो रहा है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है वेकेशन, और वेकेशन का मतलब भी होता है छुट्टी। अब ये कौन सी वाली छुट्टी है ये समझो। और जब भी कंपनी, स्कूल, ऑफिस आपको छुट्टी दे लेकिन लंबे समय के लिए दे, तो उसे कहेंगे वेकेशन। छोटे समय के लिए, एक दो दिन के लिए दे, तो हॉलीडे। 7-8 दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए, पूरी लाइफ के लिए दे दे, तो उसे कहें पूरी लाइफ के लिए दे दे, तब तो तुम्हें पता ही है वो वेकेशन कहां हुआ, वो तो तुम्हारा पत्ता साफ हो गया। मतलब 2-3 महीने के लिए दे दे, तो उसे कहेंगे वेकेशन। याद रखना, खुद करोगे चाहे एक दिन की करो चाहे एक महीने की करो, वो वेकेशन नहीं है, वो लीव ही है। लेकिन कंपनी दे 1-2 दिन की, तो हॉलीडे। और भैया लंबी छुट्टी, तो वेकेशन। आपको तो बताइए, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो समर हॉलीडे कम बोलते हैं उसे, समर वेकेशंस बोलते हैं। वेकेशन छुट्टी, वेकेशंस छुट्टियां। अब जैसे मैं कहूं मैं 7 दिनों की छुट्टी पर हूं, तो इसे ऐसे नहीं कहेंगे आई एम ऑन 7 डेज हॉलीडे। अब 7 दिन का हॉलीडे मनाओगे तुम, तो इसे कहेंगे आई एम ऑन 7 डेज वेकेशंस, आई एम ऑन 7 डेज वेकेशंस। तो भैया ध्यान रखना, वेकेशंस का मतलब होता है लंबी छुट्टी। लास्ट वाला देखो। और भैया लास्ट वाला है इंटरवेल। अब इसे देख के आपको ये लग रहा होगा अरे वो फिल्मों में जो होता है बीच में इंटरवेल हो जाता है, हाँ ये वही है। लेकिन असल में इसके अलावा जो वो बीच में टाइम फाइम हो जाता है फिल्मों में, उसके अलावा इसका एक दूसरा मतलब भी है, और पक्का तुम्हें अपने बचपन की याद आ जाएगी। इंटरवेल का हिंदी में मतलब होता है आधी छुट्टी। याद आए ना कैसे भागते थे बैग ले लेके, पहले बैग फेंकते थे फिर खुद को फेंकते थे, और मास्टर जी कैच करके वापस अंदर फेंक देते थे। ऐसा हुआ होगा तो मेरे साथ तो हुआ है भैया। तो इंटरवेल का मतलब होता है आधी छुट्टी, यानी कि हाफ डे, जिसे आप बोलते हैं अपनी भाषा में। ज्यादा अंग्रेज बनते हो तुम, हाफ डे बोलते हो, यही बोल लिया करो, आधी छुट्टी में भाग रहा हूं मैं। तो जैसे मुझे कहना है तुम्हें आधी छुट्टी में नहीं भागना चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट रन इन द इंटरवेल। इन द इंटरवेल यानी आधी छुट्टी के टाइम पे तुम्हें नहीं भागना चाहिए। तो भैया इसे इंटरवेल कहते हैं, और यहां वीडियो का इंटरवेल नहीं हुआ, एंड होने को जा रहा है, लास्ट का लेक्चर सुन लो। तो भैया ये थी आज की वीडियो अंग्रेजी में छुट्टियों के प्रकार के बारे में। आई एम श्योर बहुत मजा आया होगा आपको, और आपका छुट्टी करने का भी दिल कर रहा होगा। लेकिन इससे पहले तुम किसी चीज की बेवजह छुट्टी करो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना, और इस वीडियो को गली के हर एक उस लड़के के साथ शेयर करना जो छुट्टी में छुट्टी मारता है, ससुराल संडे को भी छुट्टी मारता है, कितना छुट्टी मारने वाला बन रहा है। और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।